आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, देख सकते हैं ये है गुरुजी गुलाम भाई। देखिए जो लैपटॉप था जो एचपी का वो बंद था, खराब हो गया था डिस्प्ले का, उसी को रिप्लेस कराने के लिए आए हैं। देखिए अभी काम चल रहा है यहाँ पे, और ये है डिस्प्ले मेरा जो प्रॉब्लम आ गया था लैपटॉप। सो यहाँ पे जो है लैपटॉप को ओपन करने का प्रक्रिया चल रहा है, डिस्प्ले को रिप्लेस कराना है क्योंकि डिस्प्ले जो है मेरा ख़राब हो गया था। ख़राब क्या, जैसे कि वाइट लाइनिंग करके आ गया था। एंड यहाँ पे दूसरा जो है बैटरी का भी लगभग वही हाल था। ये देखिए मेरा लैपटॉप का हाल क्या हो, ये हुआ कि पूरा डिस्प्ले चेंज करने के बाद, न्यू बैटरी इंस्टॉल करने के बाद जो पासवर्ड रहता है वो मुझे याद नहीं है। एक से एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब पासवर्ड नहीं याद आ रहा है क्योंकि 6-7 महीने से मेरा लैपटॉप रखा हुआ था। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेट करने का स्थिति आ गया है, मगर कीबोर्ड जो है उसे भी चेंज करना होगा क्योंकि ये भी सही से काम नहीं कर रहा। लगे हैं गुलाम भाई हमको चूना लगाने पे, उतर आए। एक से एक प्रॉब्लम। अगर आपका लैपटॉप रखा हुआ है काफ़ी दिन से तो आपको निकाल के पासवर्ड तो ज़रूर चेक करना चाहिए। पासवर्ड को तोड़ा गया, जो न्यू विंडो था उसे इंस्टॉल कराना पड़ रहा है यहाँ पे, जो ओल्ड था उसे इरेज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फ्लैश नहीं करता लैपटॉप को तो मेरा जो ओल्ड पासवर्ड था वो ब्रेक नहीं होता था। तो इसलिए क्या करना पड़ा, उसे पूरा कम्प्लीटली फ्लैश करना पड़ा और न्यू इंस्टॉलेशन करना का पड़ गया क्योंकि कोड जो है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी 10-12 कोड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सब ट्राई किया बट नहीं हुआ। सो वो तो लॉक का काम बन चुका है, वो अनलॉक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जैसे कि देख सकते हैं लैपटॉप पूरा खुला हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि जो है कीबोर्ड जो टाइपिंग करने का रहता है वो ट्राई किया, उसमें जो है कुछ कुछ एक्शन ज़्यादा ही ले लेता है। यानी जो है मैं अगर ए टाइप करता हूँ सो कभी कभी तो पकड़ रहा है, कभी क्या होता है कि एक्सेस टाइपिंग हो जाता है, जैसे कि 5-6 बार टाइपिंग हो जाना। सो इस चीज़ में एडिटेड हो गया, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना कीबोर्ड को भी रिप्लेस किया जाए। सो वही उसी के लिए यहाँ पे पूरा लैपटॉप को खोल रहे हैं भाई। अच्छा कारीगर लगा। अच्छा काम करके दिया, थैंक्स गुलाम भाई, थैंक्स आपको। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा अगर कम लेता तो और भी थैंक्स कहते। कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि काम अच्छा होना चाहिए, पैसा का क्या है, जो मेरे पास था वो आपके पास चला गया, जो आपके पास है आप जो है कोई और पार्ट्स खरीदोगे तो उसके पास चला जाएगा। सो ये रोटेशन सर्किल ये जो है राउंड होते रहता है, लेकिन काम हमें अच्छा मिलना चाहिए। सो अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं सो अगर आपके पास लैपटॉप है चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी कुछ भी लेना है सो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, क्योंकि मैं जो है इस चैनल पे सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है विंडोज़ के बारे में भी एक प्लेलिस्ट बना लूँ जिसमें आप लोगों को हेल्प मिले। ओके, जैसे कि ट्रिक, न्यू टिप्स, अपडेट्स एंड काफ़ी सारे ऐसे ऐसे जो रहता है जो कि काफ़ी कुछ लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड हटाने के बाद अंदर जो है कितना गंदगी है, कितना डस्ट यहाँ पे जमा हुआ है। इस्तेमाल कर रहा था लेकिन कभी भी किसी का भी अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड उखाड़ेंगे तो इतना ही गंदी की आपको देखने में, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है उसमें। ये देखिए मेरा लैपटॉप का बुरा हाल हो चुका है, देख सकते हैं पूरा फोन के डिस्प्ले अलग, हर एक चीज़ कार्ड उड़ पूरा जितना जो है कलीचा गुर्जा सब कुछ अलग अलग हो चुका है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 2-3 काम यहाँ पर करना पड़ा। जो दिन काम किया कि जैसे कि जो है एक तो लॉक इतना दिन के बाद मैं भूल गया था, उसका जो कीबोर्ड जो था वो भी रिप्लेस कराना पड़ा, ख़राब हो चुका था। लगभग यहाँ पे अच्छा खासा
प्राइस लग गया होगा। देखते हैं कंप्लीट कितना टाइम तक हो जाता है, कितना लगेगा वो आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। नेक्स्ट डे मैं गया लैपटॉप वॉल पे, गुलाम भाई बैठे हुए हैं मेरा लैपटॉप लगे, और यहाँ पे मेरा लैपटॉप का बिल समझ लो बन रहा है। मैंने कहा कि बिल बनाओ भाई यहाँ पे, क्योंकि उस दिन जो है मैं लैपटॉप छोड़ के आ गया था, 3 और 4 रोज़ बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है क्यूवर्ड उस वक्त जो था वो सेटअप नहीं हो रहा था, इसलिए छोड़ के आना पड़ा था उसी वक्त वहीं पे, क्योंकि मुझे कंप्लीट लैपटॉप लेना था। यहाँ पे देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, लग चुका है पूरा चमचमाता हुआ, और उसके साथ बैटरी रिप्लेस हुआ था, ये है लैपटॉप बैटरी, ये भी मुझे रिप्लेस करना पड़ा ओके, क्योंकि जो है बैटरी भी नहीं टिकता था। यहाँ पे जो है मेरा, मैं जो है पूरा कीबोर्ड देख रहा हूँ सही है, अब यहाँ पे ओके करके देख रहा हूँ लैपटॉप फर्स्ट टाइम, बैटरी इंस्टॉल कराने के बाद और यहाँ पे बैटरी यूनिटी इंस्टॉल करने के बाद, ये है HP लोगो, बस जस्ट ओपन हो रहा है मेरा। ओपन करने का क्या हुआ कि मैं ट्राई किया, मज़ा नहीं आया क्योंकि नेट मुझे फास्ट चाहिए, भाई ने बोला, गुलाम भाई ने बोला कि SSD लगा लो, मैं बोला ठीक है, सिंपल टेक का ये SSD कार्ड है 256 GB का, इंस्टॉल करा दो। सो फाइनली मैं जो है ये भी इंस्टॉल कराने के लिए यहाँ पे सोच रहा, क्योंकि मुझे इंटरनेट फास्ट मांगता है। ये है SSD कार्ड जो कि मैं अपने HP लैपटॉप पे इंस्टॉल कराने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। अभी क्या चल रहा है इसमें? इस पे अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है आपका, इससे पहले वाला जो चीज़ वो तो ख़त्म जी, वो आपका वो डेड हो गया था, इसके कारण अभी आपको नया इंस्टॉल करवाना पड़ रहा है इसमें। इसमें से नेट फास्ट चलेगा जी, अभी आपका उससे हार्ड डिस्क से आपका ये 4x ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जो लोग भी जो है SSD कार्ड इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हैं कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा, मैं तो आगे में आपको वीडियो दूंगा यहाँ पे इस्तेमाल करने के बाद। फिलहाल देख सकते हैं भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान अली है और मैं यहाँ का टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन है, मैं जो है अपने लैपटॉप में SSD कार्ड जो है इंस्टॉल करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है जो था पुराना वाला ये उसे मैं रिमूव करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है इंटरनेट इतना फास्ट नहीं चल रहा था, मेरे लिए इंटरनेट फास्ट होने को मांगता है, नहीं तो बेकार है सिस्टम। तो फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, देख सकते हैं ये विंडो 10 है मेरा, ये HP कंपनी का है, विंडो 10 है। इसमें काफ़ी सारा खर्च अभी आ गया, क्योंकि काफ़ी से कुछ यहाँ पे डिस्प्ले, बैटरी, कीबोर्ड, इसे पूरा काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज किए। सो आगे देखेंगे कि यहाँ पे SSD कार्ड लगाने के बाद कितना सिस्टम मेरा सही परफॉर्मेंस दे रहा है। सो आपको क्या लग रहा है कि कोई दिक्कत आएगा इसमें? जी अभी तो फिलहाल आपका जो जो इशू था इसके रिगार्डिंग सारा कुछ सॉल्व हो गया है, अब मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपका हार्ड ड्राइव में इशू था जिस कारण स्लो चल रहा था, है ना, वो भी हमने चेंज कर दिया है, और ये आपको अभी गारंटी होगा कि आपका ये लैपटॉप अभी 4x इंटू ज़्यादा फास्ट हो जाएगा पहले से। अच्छा, अगर कोई लोगों का ये क्वेश्चन रहे कि जैसे कि हम SSD कार्ड लगा लिए, अब इंटरनेट हमें जितना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उस साल में क्या वो रिप्लेस किया जाएगा फिर? नहीं, वो तो SSD का इशू नहीं है, वो आपका इंटरनेट का इशू है, तो आपको इंटरनेट चेक करवाना चाहिए। तो गाइस यानी जो है SSD कार्ड लगाने के बाद कहना है कि फास्ट चलेगा, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके सिस्टम का रहेगा। सो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको एक से एक वीडियो मिल जाएगा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर से एक और अगेन मुझे यहाँ पे जो है बिल बना के दिए भाई, क्योंकि जो है SSD कार्ड भी उसमें ऐड हुआ। सो ये पेमेंट मुझे देना पड़ रहा है, ये है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब मनी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड फाइनली जो मैं लैपटॉप को लेके घर आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं मेरा यूट्यूब सेटअप पे टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे रख चुका हूँ, और ये लुकिंग है यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। एंड गाइस इसका क्या हुआ कि पूरा क्लियर उलर करने के बाद यहाँ पे मैं जो रखा है यहाँ पे बैक साइड का जो मेरा स्टिकर था ना, वो वॉल पेपर वो ख़राब लग रहा था, उसे मैं जो है रिप्लेस किया, बैक कवर को हटा गया, अब मुझे ऑनलाइन से मंगाना है मस्त वाला।